नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं वंदना। रुख करते हैं मधुबनी जिले की आज की बड़ी खबरों की ओर। मधुबनी जिले में आज 34 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। पूर्व में जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे उनके संपर्क में आए ये व्यक्ति हैं, जिसमें बासोपट्टी से 16, लदनिया से 8, रामपट्टी से 4, लखनौर से 3 और झंझारपुर के 3 व्यक्ति शामिल हैं। इसके साथ ही अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 115 हो गई है। बाबूबरही में महिलाओं ने लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए अखंड सौभाग्य व अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखा। महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखने के उपरांत वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना की। जयनगर में लॉकडाउन से सब्जियों की बिक्री में भारी गिरावट से किसानों को लागत मूल्य मिलने के भी लाले पड़ रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसानों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलने से पूंजी डूबने की स्थिति में चेहरे पर मायूसी छा गई। सीमावर्ती जयनगर प्रखंड में 200 से अधिक किसान कर रहे हैं सब्जियों की खेती। पूर्व के बिक्री का महज 20% ही रहा लॉकडाउन में सब्जियों की बिक्री। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं उसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव के द्वारा दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद एवं कोलकाता से आने वाले प्रवासियों को ए कैटेगरी में रखते हुए सभी को प्रखंड क्वारंटाइन कैंप रखने का निर्देश दिया। अन्य जगहों से आने वाले प्रवासियों को पंचायत एवं ग्राम स्तरीय क्वारंटाइन में तथा असिम्प्टोमेटिक लोगों को निबंधन फॉर्म भरने के उपरांत बारी बारी से होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश के साथ छोड़ने की बात कही। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद देवरे ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आ रहे राज्य के बाहर के प्रवासियों एवं राज्य के अंदर के जिले के प्रवासियों को स्टेशन पर दी जा रही सुविधाओं एवं अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे प्रवासियों में मधुबनी तथा सुपौल जिला के प्रवासियों को बस के माध्यम से संबंधित प्रखंड तथा जिला में भेजने तथा दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों के प्रवासियों को अगले दिन दोपहर 3 बजे जाने वाली बरौनी DMU पैसेंजर ट्रेन से उनके संबंधित जिलों में भेजने का निर्देश दिया। जिले में आज महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य व पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयनगर, बाबूबरही, बासोपट्टी में जहां व्रती महिलाओं ने लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए वट वृक्ष की पूजा की, वहीं अन्य जगहों पर महिलाओं द्वारा अपने आस पड़ोस व सगे संबंधियों के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ व्रत को धारण करने की खबर आ रही है। बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत स्थित क्वारंटाइन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रवासी की मौत के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भय का माहौल है। सेंटर में रहने वाले अन्य 14 प्रवासी भी सेंटर छोड़कर फरार हो गए। मृतक खौना गांव निवासी 45 वर्षीय युवक बताए गए हैं, जो हाल ही में चेन्नई से लौटे थे। प्रवासी की मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। मृतक का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन मौत के कारण की जांच में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। प्रखंड में एक साथ फिर 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है। सभी पॉजिटिव दिल्ली व मुंबई से आए थे। सभी कोरोना संक्रमित एक ही क्वारंटाइन सेंटर ज्ञान ज्योति स्कूल में रखे गए थे। इस क्वारंटाइन सेंटर में 12 मई को 8 पॉजिटिव मिलने के बाद 20 मई को 20 लोगों का फिर सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया, जिसमें 16 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित प्रखंड के अलग अलग गांव के बताए गए हैं। प्रखंड प्रशासन सभी को एम्बुलेंस से जयनगर आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेट के लिए भेज दिया गया है। प्रखंड में लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में काफ़ी खौफ या व भय का माहौल बन गया है। प्रखंड में भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से यह क्षेत्र हॉटस्पॉट बनता हुआ दिख रहा है। प्रशासन पॉजिटिव पाए गए मरीजों का ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ क्लोज कॉन्टैक्ट का पता लगा रही है।
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मधुबनी इकाई के जिला सचिव बेचन झा ने उप सचिव शिक्षा विभाग पटना के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने के लिए डीईओ को पत्र लिखा है। जिला सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि हड़ताल की अवधि में विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा निलंबित नियोजित शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को उप सचिव के ने निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया है। लखनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कश्यप द्वारा आत्मदाह करने के पत्र से स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन सत्ते में आ गया। सूचना पाकर लखनौर थाना सहित प्रशासन एवं आयुष चिकित्सक संघ के पदाधिकारी पीएससी पर मान मनोबल एवं वार्ता करने पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने इस प्रयास से पीड़ित चिकित्सक ने आत्महत्या के अपने फैसले को वापस ले लिया। पीड़ित चिकित्सक ने पीएससी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। मधुबनी जिले के शुक्रवार तक कुल 1645 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें अभी तक 1362 केस नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक 115 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी तक 168 रिपोर्ट पेंडिंग बताया जा रहा है। शुक्रवार को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रमजान के अंतिम अलविदा जुमे के मौके पर इलाके के प्रसिद्ध जामा मस्जिद खाली रहे, उनमें सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते बिता रहे हैं पवित्र रमजान का महीना। गोवर्धिया थाना क्षेत्र के अलोला गांव के एक रिटायर्ड सैनिक ने गांव के ही मिथिलेश कुमार कामत एवं सुनील कामत पर रंगदारी मांगने की एवं नहीं देने पर जान से मारने का आरोप लगाया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अलोला के रिटायर्ड सैनिक अधिक लाल कामत घरेलू काम से गोवर्धिया बाजार आने के दौरान आरोपियों ने मांगी थी रंगदारी। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के गांधी चौक स्थित इंडो नेपाल सीमा पर कुछ देर के लिए उहापोह की स्थिति बन गई, जब मुख्यालय के क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने वाले 15 नेपाली प्रवासियों को छोड़ जाने के बाद भी नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। इन सभी को गुरुवार की सुबह छोड़ा गया, जिसके बाद ये सभी नेपाली नागरिक अपने घर जाने को इंडो नेपाल सीमा पर पहुंचे, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और सीमा पर ही रोक दिया। लगभग 6 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद नेपाल के मेयर द्वारा हस्तक्षेप के से सीमा पर लगे कटीलेदार तार को काटकर उन्हें नेपाल में प्रवेश करने दिया गया। बुधी बलान नदी में धड़ल्ले से हो रही अवैध बालू के खनन बीच लालमनिया ओपी पुलिस के ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को खनन माफिया के द्वारा हमला किए जाने से छोड़ना पड़ा। रात में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पकड़कर पुलिस को दी थी सूचना। पुलिस ने पहुंचने पर बालू खनन माफियाओं ने हमला कर पुलिस से ट्रैक्टर छुड़ा लिया। अंतराठाड़ी प्रखंड प्रशासन की एक टीम ने गुरुवार को देर शाम तक नवटोली पस्टल उच्च विद्यालय देवहार मध्य विद्यालय सहुरिया एवं मध्य विद्यालय गनोली क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षक टोली में शामिल अधिकारियों ने प्रवासियों को हर संभव सहूलियत देने का भरोसा दिलाया। झंझारपुर के अररिया संग्राम में संचालित रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा 100 रोजगारों के बीच फूड किट एवं नए वस्त्र का वितरण किया गया। घुघड़िया प्रखंड स्वराज्य विकास संघ जगतपुर के तत्वावधान में संचालित संस्था के संरक्षक मोहम्मद सादुल्लाह के द्वारा 100 गरीब निसहाय लोगों को रमजान के लिए दिया गया फूड किट और नए वस्त्र। राजनगर के कोयलक गांव के समीप आम के बगीचे से पेड़ की डाली से फंदे में झूलता एक 17 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतिका की पहचान पंडोल थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी कारी सदाए की पुत्री पूजा के रूप में हुई है। हालांकि परिजनों ने मृतिका की मानसिक हालत ठीक नहीं रहने के कारण खुद से ही फंदा लगाकर आत्महत्या की बात कही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयनगर शहर से लगातार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगे कर्फ्यू के बावजूद यहां दुकानें खुली रहती हैं, जहां भीड़ भाड़ के साथ ही लोग बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर आराम से खरीदारी करते हैं। सूचना के बावजूद प्रशासन द्वारा भीड़ पर पाबंदी नहीं लगाए जाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को दावत दी जा रही है।
बेनीपट्टी प्रखंड के नागदह बलाई पंचायत में राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन हरियाली योजना के तहत 3500 फीट की दूरी में नहर उड़ाही का कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को काम मिला है, बल्कि कार्य में सोशल डिस्टेंस का भी गंभीरतापूर्वक ख्याल रखा जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड में जीविका और गैर जीविका परिवारों का बन रहा राशन कार्ड के प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश मिला है। वीडियो कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें राशन कार्ड बनने में वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय सिमली में बने प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर हो हंगामा किया। कुछ देर के लिए सभी प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल सिमली परसौनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जफरा पंचायत के रामनगर गांव में दिल्ली से आए हुए एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे मधुबनी के कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में आइसोलेट किया गया। युवक के बीते 19 मई को भाई के साथ दिल्ली से घर पहुंचा था। दो दिनों से अपने गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रहते गुरुवार को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने की सूचना पर सिम्टोमेटिक स्थिति को देखते हुए मेडिकल टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर मधुबनी में आइसोलेट कर दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना काल में सीमावर्ती जयनगर प्रशासन की लापरवाही बढ़ती जा रही है। कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन से लोग सर्वाधिक परेशान है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। जयनगर से जनकपुर रेल निर्माण कार्य में लगे फुलकहा गांव से आए दर्जनों मजदूर अपने परिवार एवं छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे नेपाली रेलवे स्टेशन पर दो दिनों से पड़े हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन में ठेकेदार भाग गया, जिसके कारण वे सभी भूखे मर रहे थे। रेल की पटरी पर चलते चलते वे सभी पैदल जयनगर आ गए। उन सभी को मेडिकल जांच तो दूर जयनगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया है। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़। नमस्कार।